हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज अभिमन्यु आईएएस, अ प्लेटफॉर्म विच हैज मोर देन 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड हैज गिवन आउट मोर देन 2200 पॉजिटिव रिजल्ट्स सिंस 1999. एवरी सीरियस एस्पायरेंट नोज कि अगर आपके करंट अफेयर सॉर्टेड हैं, दैट मीन्स यू आर प्रैक्टिकली एंश्योरिंग योर सिलेक्शन इन एनी सिविल सर्विस फॉर दैट मैटर. नाउ दिस वीडियो इज पार्ट वन ऑफ द सीरीज जहां पे आपको पिछले वीक के करंट अफेयर्स का एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा. पार्ट वन है ये. कल एक और वीडियो रिलीज होगी जिसमें प्रीवियस वीक के हॉट टॉपिक्स जो हैं उसका एक लेक्चर जो है आपके सामने यहां पे रिलीज किया जाएगा. सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट उसमें जो है मिस ना करें. लिंक के अंदर जब जाएंगे वहां पे आपको उस डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही कंप्लीट कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा जिससे कि आपके करंट अफेयर्स पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएंगे. वॉच टिल एंड ऑफ द वीडियो. लास्ट में जाते जाते मैं आपको उस कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा. फॉर नाउ टेक द प्रिंटआउट्स, सिट विद द पेन एंड द अटेंटिव माइंड्स, लेट्स बिगिन. हाँ जी बच्चे, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? ठीक हो? तैयारी ठीक चल रही है? बच्चे दिस इज द टाइम, अक्टूबर मंथ आ गया अब और मैंने लास्ट ईयर भी तुम्हें बताया था अब धड़कनें तेज़ होनी शुरू हो जाएंगी. अक्टूबर इज़ द मंथ, राइट? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन. जैन के बाद आपकी जान निकलनी शुरू हो जाएगी, राइट? पूरी तरह. तो ये जो टाइम है ना, आपको रिवीजन शुरू कर देनी चाहिए अब करंट अफेयर्स की, जितना अभी तक हुआ है, राइट? 10 डॉक्यूमेंट्स आपको मिल चुके हैं, 11वां आज मिला है. और अगर आप 10 डॉक्यूमेंट्स रिवाइज करने बैठोगे तो आपके लिए ईजी टास्क है, लास्ट तक वेट मत करना, राइट? और आपके आंसर्स देख रहा था मैं, और जो ऑनलाइन बच्चे आपको भी मिल गए थे ना, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि अब तो कोई इशू नहीं आ रहा है. 15-20 मेल्स मैंने रीसेंड करी हैं, मुझे बताइए कि अगर वो आ गया तो. थोड़ा सा ना क्वेश्चन के साथ में टाइम थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करना शुरू कीजिए. जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसमें थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगाना है. देखिए, ट्राई कीजिए कि वो पूछ क्या रहा है. रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन जितनी कम दी जा सके उतनी कम दीजिए. जैसे अभी जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक था उसके अंदर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर होता क्या है इसके एनालिसिस नहीं पूछी. उसके कई क्वेश्चंस के अंदर, कई आंसर्स के अंदर उसके पार्ट्स बताए हुए हैं कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर अचीव कैसे किया जा सकता है. तो मेरा क्वेश्चन दूसरा होता ना फिर, व्हाट आर द वेज टू अचीव क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर क्वेश्चन मार्क, तो वो आंसर बहुत अच्छा था, राइट? तो क्वेश्चन की डिमांड देखो, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही आएंगे. जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको समझाने के परस्पेक्टिव से पढ़ाता हूँ, राइट? वो जो आपसे पूछना चाह रहे हैं वो समझाने के परस्पेक्टिव से नहीं है, वो आपको समझना चाह रहे हैं कि आप इससे क्या समझे हो. तो थोड़ी बहुत टर्म्स उनको पता है, राइट? तो पर आंसर सुधर रहे हैं आप लोगों के, आई एम रियली हैप्पी. और क्वांटिटी भी बढ़ रही है आंसर्स की, विद दैट ऑल्सो आई एम हैप्पी. कोई ऐसा है जिसने अब तक एक भी आंसर नहीं लिखा? विद ऑनेस्टी, आपने नहीं लिखा. अटेम्प्ट आप कौन से साल में सोच रहे हो? कौन से साल का अटेम्प्ट सोच रहे हो? 2024 का सोच रहे हो कि नहीं? 24 में देना है अटेम्प्ट आपने, कि 25 का है आपका अटेम्प्ट? 24 का है, ठीक है. तो अगर 24 का अटेम्प्ट है बच्चे, और अगर आप क्लियर करना चाह रहे हो 24 में ही, राइट, तो आपको आंसर्स लिखने चाहिए. दिस इज़ द टाइम जब आप आंसर लिख सकते हो, क्योंकि एक समय के बाद आप हम सबको ही प्री पे होना ही पड़ेगा. तब हम आंसर राइटिंग छोड़ देते हैं, तब आप लोगों को भी मैं क्वेश्चंस नहीं दूंगा लिखने के लिए, राइट? या टोकूंगा नहीं अगर नहीं लिखा तो, जैसे अभी मैंने आउटराइटली बोल दिया. तो एक वो भी समय आएगा, अभी के लिए आपको थोड़ा सा राइटिंग के अंदर थोड़ा फोकस करना चाहिए, राइट? और ऐसे कितने हैं जो बिल्कुल एंड मोमेंट पे आंसर लिखते हैं? जस्ट अ रेज ऑफ हैंड्स. बिगी सबमिट करवाना है, आज रात को लिख लेते हैं, कल सुबह सबमिट होना है या सुबह ही आके. अवॉइड करो इस चीज़ को, थोड़ा सा दिख जाता है क्योंकि उसमें अर्जेंसी दिख जाती है आंसर के अंदर, राइट? इस चीज़ को अवॉइड करो, तभी एक हफ्ता दिया गया है उसमें. थोड़ा स्पेंड करो उसके साथ में, है ना? अगर मैं आपको पेंटिंग बनाने के लिए एक ब्लैंक कैनवस दे रहा हूँ और एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, यूटिलाइज करो, क्योंकि अभी आप पेंटर नहीं हो, राइट? हम स्किल लेना चाह रहे हैं राइटिंग का, तो थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए उसमें. और एक और चीज़, एक बहुत हाई टाइम चल रहा है ये टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. आप सबको अपने फ्लॉज पता होंगे, है ना, कि कहाँ पे कमी आ रही है आंसर राइटिंग में, या फॉर दैट मैटर कहीं पे भी, राइट?
थोड़ी सी हिम्मत कर लो, थोड़ी सी हिम्मत करो और एक्सेप्ट कर लो उनको, पता तुम्हें है ही, रादर देन कोई और हाईलाइट करे और तुम इनसिक्योर होकर घूमते रहो एक हफ्ता, सारी वो जद्दोजहद हटाओ और उन फ्लॉज को एक्सेप्ट कर लो, है ना। और अगर राइटिंग वगैरह में कुछ दिक्कत आ रही है तो मेरे पास आ जाओ, थोड़ी मैं हेल्प कर दूंगा आप लोगों की, राइट। थोड़ी सी हिम्मत कर लो बस उसमें, बहानेबाजी कोई कोई इंटरेस्टेड नहीं होता क्योंकि किसी भी चीज़ में, तो अच्छा यही रहेगा, खुद को भी देने बंद कर दो, है ना। चलिए शुरू करें टॉपिक। जब थोड़ी सी करेज करके आप लोग फ्लॉज एक्सेप्ट करोगे ना, तो फ्लॉज हाईलाइट भी ज़्यादा होंगे, तो लोग डरेंगे नहीं आपको ओपिनियन देने से आपकी ग्रोथ के लिए। अभी डरेंगे लोग अगर आप बुरा मान जाओगे तो, है ना। तो रोना नहीं है अगर कोई कोई चीज़ बता दे तो, देख लेना दो ही ऑप्शन होते हैं, अगर सामने वाले ने जो तुम्हें फ्लॉ बताया है या तो वो सही है या वो गलत है। सही है तो वो अपॉर्चुनिटी है, ठीक कर लो, गलत है तो जाने दो, कोई बात नहीं, गलत बोल रहा है गलत तो कुछ भी बोल सकता है कोई, राइट। चलिए आइए कल्चर से शुरू करते हैं फिर सबसे पहले। सो दिस इज द शोर टेम्पल ऑफ महामल्लपुरम, या फिर जिसको आप पहले महाबलीपुरम के नाम से भी जानते हो, महामल्लपुरम, राइट। तमिलनाडु के अंदर है ये, तमिलनाडु में है तो किस तरफ को फेस करता होगा, कौन सी सी को फेस करता होगा, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ सकता है, जस्ट आपको, क्योंकि किसी एग्जाम में देखा था मैंने कि इस टाइप का सवाल भी पूछ लिया था, लेकिन क्योंकि ज्योग्राफी नहीं पता होती तो ये सिंपल सा लड्डू क्वेश्चन भी आप छोड़ के आ जाते हो, राइट। आइए क्यों ये न्यूज में आया, ये इंडिया का फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट बनी है, फर्स्ट ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट है आपका, है ना। तो फर्स्ट वगैरह आता है तो हमारे लिए साइट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है और कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। नाउ इट इज द सेम आइडियोलॉजी जो कि हम हर जगह अपना रहे हैं और उसको अचीव करने के लिए हम हर सेक्टर में घुसते जा रहे हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप यू गाइज हैव टू सेव मनी, आप लोगों को पैसा बचाना है, है ना, थोड़ा सा आपको खर्चा अपना कंट्रोल में करना है, तो इमीडिएटली आप आइडेंटिफाई करना शुरू करोगे कि मेरा खर्चा फालतू हो कहाँ कहाँ रहा है, राइट। सो वही आइडियोलॉजी इसके अंदर है कि हम लोग हर ही एवेन्यू को चेक कर रहे हैं कि इसको भी ग्रीन कर दो, उसको भी ग्रीन कर दो। तो हेरिटेज को हमने पहली बार जो है उसको ग्रीन साइट करी है और तरीके वही हैं, सेम तरीकों में चेंज नहीं आया है। आइए देखते हैं। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखेंगे अबाउट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट के अंदर, द टेम्पल वुड बी इल्यूमिनेटेड बाय क्लीन एंड सस्टेनेबल सोलर एनर्जी, एनर्जी को सोलर कर दिया। नेक्स्ट इज जो सरप्लस है उसको आपने ग्रिड में वापस भेज दिया, सेम मेथड्स, कुछ कोई अलग बात नहीं है इसके अंदर। ग्रीन फैसिलिटीज जिसके अंदर उन्होंने आरओ प्लांट लगा दिया जो कि आपका सोलर से ऑपरेटेड है, बाय द वे ये भी पीसीएस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट, अगर किसी को आरओ नहीं पता कि आरओ की फुल फॉर्म क्या होती है, इट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस, राइट। और क्यों इसे रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं ये आप देख लेना एक बार स्टैटिक में, डॉक्यूमेंट नहीं आपके पास, आ रहे मुद्दा समझ में आया इसमें क्या है, सिंपल इनफ। क्यों ये टॉपिक आपको इतने डिटेल में यहां डाला गया है, इज बिकॉज कि जब आप लोग आंसर्स लिखते हैं जहां पे डिटेल की रिक्वायरमेंट होती है, इस तरीके से आप इंडिविजुअल प्रॉब्लम को जाके सॉल्व करते हो, राइट। सो एक एग्जांपल के तौर पे भी इसको आप ले सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टेम्पल इन इटसेल्फ, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब आइए, एनीवन हु कैन टेल किसने बिल्ड किया था ये शोर टेम्पल, पढ़ा होगा आपने इसमें हिस्ट्री में, चलो वो तो मैं आसान कर देता हूँ, पल्लवा,
थोड़ा आसान कर देता हूँ, मैं तो वैसे रूलर का नाम जानना चाह रहा था। चलिए लिखिए। हाँ, नरसिम्हा टू। डेट्स बैक टू 7th सेंचुरी कॉमा बिल्ट बाय राजसीमा, ये उनका ही नाम है, RAJASHIMA। ये पेपर में घुमा देते हैं कई बार, फॉरवर्ड स्लैश नरसिम्हा टू। ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, इसमें इन टोटल 3 श्राइन्स हैं बाय द वे, राइट। 2 शिवा की श्राइन्स हैं, एक छोटी श्राइन है विच इज ऑफ विष्णु, राइट। ये लिख लेते हैं, आइए बच्चे। अ स्मॉलर श्राइन डिपिक्ट्स अनंतशायी विष्णु, ANANTASHAYI। अनंतशायी विष्णु, दिस इज दिस, ये विष्णु इट्स ऑल्सो कॉल्ड रिक्लाइनिंग विष्णु, लिख सकते हैं ब्रैकेट में। रिक्लाइनिंग विष्णु, रिक्लाइनिंग, मजे में लेटे हुए, जो आप रील्स देखते देखते हो जाते हो अपने बेड पे थोड़े समय बाद, तभी तो आंसर सोमवार रात को लिखा जाता है। यहाँ पे तो एक श्राइन है, मैं बनाने पे आया, मेरे पास तो 25-30 है ना। कॉमा विच लाइज बिटवीन टू शिवा श्राइन्स, ब्रैकेट में लिख लो, वन फेसिंग ईस्ट वन फेसिंग वेस्ट। नेक्स्ट इज देयर आर मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स नहीं स्कल्पचर्स लिख लीजिए। देयर आर मोनोलिथिक, मोनोलिथिक मीन्स सिंगल स्टोन से बना हुआ, मोनोलिथ, मोनोलिथिक स्कल्पचर्स इंक्लूडिंग नंदी, लायंस, and other divine figures, also features, next line, also features bas relief, BAS-RELIEF। इसको बैस रिलीफ बोलते हैं या बार रिलीफ, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं इसको। डिपिक्टिंग शिवा एंड द फैमिली, के बारे में पता है बेस्ट रिलीफ या बार रिलीफ क्या होता है? ओके, आप लोगों ने देखे तो हुए हैं, आपको नाम नहीं पता होगा,
जब आप एक स्टोन के ऊपर बस इतनी सी कार्विंग कर देते हो कि आपको सीन दिखना शुरू हो जाता है, इट्स नॉट अ स्कल्पचर बट अ सीन जो कि आप स्टोन पे, जैसे पिरामिड्स के अंदर बने हुए हैं, राइट, टेंपल की वॉल्स के ऊपर होते हैं, इट्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्कल्पचरिंग, अ डिफरेंट फॉर्म। उसके अंदर आप पूरा स्कल्पचर नहीं बना रहे हो, बस आप इतना सा काम कर रहे हो कि आपको फिगर दिखनी शुरू हो जाती है, राइट, तो उसको बोलते हैं। छोटा सा मेरे को ये भी बता दो फिर, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, व्हाई वी आर डूइंग इट, इसको क्यों कंजर्व करना चाह रहे हैं हम, इस टाइप की चीज़ को जनरल ग्रीन हेरिटेज से मत जोड़ो, यही सब एंगल रहेंगे, हिस्टोरिकल एंगल हो गया कि हिस्ट्री प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, कल्चर को प्रोपोगेट करना चाह रहे हैं, सॉफ्ट पावर कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको, और कोई एक बहुत और बेसिक काम है इसका, जो एक्चुअली रिलीजन का भी बेसिक काम है, कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ये चीज़ें। जब आप टफ टाइम्स में होते हो, जब वो अंदर वाली आवाज़ आ रही होती है ना, जो बोलती है सब लूट गया, बर्बाद हो गया, है ना, तो उसको जो उस आवाज़ समझा रही होती है वो एक स्पिरिचुअल आवाज़ होती है, तो इस टाइप की चीज़ आपको थोड़ा सा वहाँ हेल्प करती है, राइट। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नीडिड। एक क्वेश्चन आया था UPSC के अंदर, इन विच देवर आस्किंग कॉमेंट ऑन रेलिवेंस ऑफ बुद्धा, फुल स्टॉप, सिंपल, रेलिवेंस कहाँ पे, किस समय पे, किसके साथ में, नथिंग, राइट। तो वो इस टाइप का एंगल ही कुछ होता है, तो जो आपके दिमाग में इसका आंसर बना है कि व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ बुद्धा, वही इसका भी आंसर बनेगा कि ये क्यों हम प्रिजर्व कर रहे हैं, राइट। जब बंदा लंगड़ा होता है ना, उसको बैसाखी देनी पड़ती है, चाहिए, कोई खराब बात नहीं है उसमें। चलिए चले, कौन कर रहा होगा, कौन सी मिनिस्ट्री कर रही होगी इसको, सिंपल सवाल, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ASI के अंडर है ये, राइट। ASI के ऊपर हमने शॉर्ट नोट 2-3 बार लिख लिया है, गैस, है ना। एक और एंगल है इसमें, वैसे अगर कोई सोच पा रहा है तो, बहुत सरफेस वाला, इकोनॉमिक एंगल, टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज, दोनों ऐसी जगह पे, जब भी रिलीजियस प्लेस कोई होती है वहाँ पे मतलब पिलग्रिम्स आर नॉट टूरिस्ट, हाँ, दो अलग टर्म्स में इसको डिवाइड कर सकते हो, कि एक तो क्योंकि ये टेम्पल अभी भी फंक्शनल है, इट इज़ एक्चुअली ये टेम्पल टिल डेट, राइट, तो यहाँ पे टूरिस्ट तो जाते ही जाते हैं और पिलग्रिम्स भी जाते हैं, तो ये इकोनॉमिक एंगल से भी इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, राइट। चलिए चले आगे, क्योंकि तमिलनाडु में है तो ये किस स्टाइल का टेंपल होगा, वैसे आप देख भी पा रहे हो उसको, द्रविड़, राइट, जो उसके ट्रेड्स हैं आपको क्लियरली इसमें विजिबल हैं, और आपका जो विमान है ये जो ऊपर, दैट इज पिरामिडिकल इन शेप, राइट। नॉर्थ के टेंपल्स में आपको ये देखने को नहीं मिलता, दे आर राउंडेड। चलें जी आगे, ये वाला टॉपिक हम 2-3 एंगल से कवर करेंगे। एक तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ से हमने इंपोर्ट किया है, उस टाइप से। दूसरा फिर ये है कौन, उस एंगल पे जाएंगे। तीसरा एंगल इसमें एक और रहेगा, दैट इज़ कि इनकी फिलॉसफी क्या थी, राइट। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, और अगर सवाल आएगा तो इन्हीं के ऊपर आएगा, इन तीन चीजों के ऊपर पूछा जा सकता है, इसके बाहर सवाल नहीं है इसके ऊपर। लेट्स स्टार्ट विद द रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, जो काम नहीं आएगी कि किसने इनॉग्रेट किया और ये सब, राइट, शुरुआत में ही है वो। इसको स्टैचू ऑफ वननेस बोला जाता है, एंड इट इज इन ओमकारेश्वर। जो कुछ भी इससे हम लिखने वाले हैं, आपको हर एक वर्ड के ऊपर रिसर्च करनी है इसके ऊपर, कि क्या है कैसे, क्योंकि UPSC कल्चर को बहुत बुरी तरह पकड़ के सवाल पूछता है, उस पर थोड़ा घुस जाता है अंदर वो, कि कल्चर का अगर कुछ आया है वो कुछ भी पूछ लेगा उससे, थोड़ा डीप निकल जाता है, और क्योंकि कल्चर इतना वास्ट है आप वैसे नहीं किताबें पढ़ सकते, दिस इज़ अ स्टेटमेंट विद अ फुल स्टॉप, वैसे आप किताब नहीं पढ़ सकते इतनी सारी, राइट।
लेकिन जब इस टाइप का कोई टॉपिक आता है फिर वो वाले गुरु को अच्छे से पढ़ देना कि किसकी बात हो रही है, क्या हो रहा है, क्या फिलॉसफी है, फिलॉसफी में क्या क्या पार्ट्स है, बाकी उसे डिफरेंट कैसे हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट, राइट। मोस्टली सारी चीज़ें मैं आपको बता ही दूंगा अभी इसमें। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टैचू ऑफ वननेस डिपिक्ट्स शंकराचार्य, राइट। एक तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें। दूसरी है एज अ 12-year-old चाइल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर मतलब आप समझ रहे हो कि अगर क्वेश्चन बनाना हो इस पर तो क्या क्या चीज़ें चेंज की जा सकती हैं, वो ये वाली चीज़ें हैं कि गुरु का नाम चेंज कर देंगे या फिर जो किसी और फॉर्म में, जैसे केदारनाथ में समाधि की फॉर्म टाइप है ना, तो वो नहीं है। इट्स अ 12-year-old मॉन्क जिसको डिपिक्ट किया गया है, राइट। सेड टू हैव विजिटेड ओमकारेश्वर विच इज वन अमंग द 12 ज्योतिर्लिंग श्राइन्स, राइट। इसके ऊपर सवाल आ चुका है आई थिंक 2020 के ऊपर, राइट। तो ऐसे हाईलाइट होता है ये, ज्योतिर्लिंग्स के ऊपर सवाल आ चुका है एक बार, राइट। तो आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, अभी 100 टन्स की है ये और वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। मेटल कास्टिंग वॉज डन इन चाइनाज नानचेंग सिटी एंड शिप टू मुंबई इन सेवरल बैचेस, ठीक है जी। इंडिया में नहीं बनी, असेंबल हुई है, ठीक है जी। जस्ट लाइक योर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, है ना। मेड अप ऑफ ब्रोंज दैट कंटेन्स 88% कॉपर, 4% जिंक एंड 8% टिन। ये पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाली पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। इंटरनल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ हाई क्वालिटी स्टील, राइट। द डिजाइन फॉर द स्टैचू वॉज कंसेप्चुलाइज फाउंडिंग इंस्पिरेशन इन राजा रवि वर्मा डिपिक्शन ऑफ शंकराचार्य। इफ यू डू नॉट नो अबाउट राजा रवि वर्मा, यू शुड रीड अबाउट इट, ठीक है, थोड़ा देख लेना। बाय द वे ही इज द वन जिन्होंने गॉड्स को टेम्पल से निकाल के घरों में पहुंचा दिया था। वेन आई से लेट अस से दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, शिवा, जो फोटोज आपके दिमाग में बन रही हैं, दोज वर मेड बाय राजा रवि वर्मा, राइट। रिलीजन को पर्सनल कर दिया था, एक्सेस बढ़ा दिया था, जो बाकी लोग करना चाह रहे थे ना, जो बाकियों ने किया भी, फॉर एग्जांपल सूफीज ने किया और भक्ति मूवमेंट सेंट्स ने किया, वो यही करा उन्होंने, आपके रिलीजन को पर्सनलाइज कर दिया, एक्सेस दे दिया। पहले आपको एक एजेंसी के पास जाना पड़ता था कॉल्ड अ टेम्पल, आपको एक मिडल मैन लगता था कॉल्ड अ प्रीस्ट, राइट, और अ महंत, राइट। मिडल मैन हटा दिए थे इन लोगों ने कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपके पास रिलीजन आपके घरों तक पहुंचा दिया था। वैसी सी ही कुछ इनकी क्वालिटी है राजा रवि वर्मा की, क्योंकि प्रिंटिंग का दौर चल रहा था तो उन्होंने प्रिंट मीडिया के थ्रू उन गॉड्स को घरों तक पहुंचा दिया अपनी डिपिक्शन दे के, राइट। बट अदरवाइज इफ यू आर सेइंग दैट एंटिटी इज बिगर देन यू, यू आर सब पार्ट ऑफ समथिंग, हाउ कैन यू मेक अ पिक्चर आउट ऑफ दैट, राइट। सो इट्स अ डिपिक्शन बाय राजा रवि वर्मा, ये भी उनसे इंस्पायर्ड है, राइट। तो रीड अबाउट राजा रवि वर्मा, मे बी उसके ऊपर क्वेश्चन आए ना आए राजा रवि वर्मा के ऊपर, पर थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि हाउ थिंग्स वर्क, राइट। आपके आंसर्स में क्वालिटी आएगी, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर हो जाएगी उसके बाद। लेट्स सी समथिंग अबाउट शंकराचार्य। जो थर्ड पॉइंट है बच्चे, इसके अंदर आपको इनका, इनकी बर्थ विलेज वो गिवन है, ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे, ये पढ़ लेना आप सारे पॉइंट्स में, थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, उसको ग्लाइड करता हुआ जा रहा हूँ, देख लेना एक बार इसको। नेक्स्ट पेज पे आइए आप। तो ही वॉज इन अ क्वेस्ट टू फाइंड अ गुरु, राइट। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 साल में संस्कृत बोलने सीख गए थे, फोर ईयर्स तक वो वेद एंड स्क्रिप्चर्स वगैरह उन्होंने रिसाइट करने शुरू कर दिए थे, उनको याद हो गए थे, राइट। नाउ ही वॉज लुकिंग फॉर अ गुरु जो आगे की जर्नी कर सके। दैट गुरु ही फाउंड इन ओमकारेश्वर, दैट इज वाई द स्टैचू इज एस्टैब्लिश देयर, राइट। तो हु वॉज द गुरु यहाँ पे गिवन है, इज क्वेस्ट एंडेड विद, हाँ, राइट।
ऑन द बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर, इसके अंदर नर्मदा रिवर भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से कहां पे है ये स्टैचू, कौन सी रिवर है पास में, दैट इज द नर्मदा रिवर, राइट। इसके नेक्स्ट पॉइंट में बाय द वे एक वर्ड है ट्यूटलेज, इट मींस अंडर प्रोटेक्शन और अथॉरिटी ऑफ समवन, राइट। आइए इनकी थोड़ी फिलॉसफी देख लेते हैं कि ये कहते क्या है। फ्रॉम द एज ऑफ 16 टू 32 शंकराचार्य ट्रेवल्ड ऑल अक्रॉस इंडिया, तभी आपको इनकी श्राइन्स बहुत जगह देखने को मिलेंगी। और जैसे हमने बुद्धा को एसोसिएट किया हुआ है विद वेरियस प्लेसेस, आई वुड सजेस्ट कि इनकी जितनी भी प्लेसेस हैं उनकी लिस्ट बना लेना कि कहां से किधर कैसे, राइट। क्वेश्चन बन सकता है उसके ऊपर, ट्रेवल्ड अक्रॉस दी, क्या लिखा हमने, ऑल अक्रॉस इंडिया विद द मैसेज ऑफ वेदास। रोट टू डजन बुक्स, रोट टू डजन बुक्स ऑन अद्वैत वेदांत फिलॉसफी, अद्वैत ADVAITA वेदांत VEDANTA। ही प्रोनाउंस्ड कोट्स में लिखना ब्रह्म, BHMAN ब्रह्म, इसको ब्राह्मण मत पढ़ना, इसको ब्राह्मण मत पढ़ना, ये ब्रह्म कहना चाह रहे हैं। और ब्रह्म वो वाला नहीं जो, हाँ जो तुम्हें अपनी आंसर राइटिंग को लेके है, ब्रह्म वो जो मैं चाह रहा हूं तुम बन जाओ, ठीक है, हाँ ब्रह्म। और प्योर कॉन्शियसनेस, जो एक सिख रिलीजन के अंदर है ना, वो आई थिंक सुखमनी साहब का पार्ट है, उसमें एक टर्म रिपीट होती है बार बार एक पर्टिकुलर चौपाई के अंदर, आई थिंक ब्रह्म ज्ञानी, ये वो वाला ब्रह्म की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है जी। ब्रह्म और प्योर कॉन्शियसनेस टू बी द एब्सोल्यूट रियलिटी, बाय द वे अद्वैत फिलॉसफी, डू यू नो अबाउट इट, नॉन ड्यूलिज्म, क्या मतलब है नॉन ड्यूलिज्म का, हाँ कि आप अलग, आपको मतलब यू डू नॉट हैव टू मीट द गॉड, राइट, देर इज नो अदर जिसको जाके तुमने मिलना है, तुमने वही बन जाना है। मतलब अद्वैत फिलॉसफी उधर को जाता है कि दो अलग अलग एंटिटी नहीं है कि आप हो और वो है, नहीं एक ही है, यू आर जस्ट अ सब पार्ट। तो उस एंगल पे जाती है ये फिलॉसफी, प्रॉबेबली व्हेन यू हिट थोड़ी लाइफ में प्रॉब्लम्स हिट करोगे, फिर उनसे निकलोगे, फिर उन्हें एक्सेप्ट करोगे, फिर एक दिन हंसोगे उन पे, मज़ा आएगा क्योंकि तुम्हें समझ में आएगा कि यार वो नहीं होता तो आज मैं ये नहीं होता, राइट। उसके बाद में आपको ये फिलॉसफीज अलग ही हिट करेंगी, अभी आपको याद करनी पड़ेंगी। मतलब आज से 5 साल पहले जब मैंने ये फिलॉसफीज पढ़ी थी तो मेरे को इसके ट्रेड्स याद हो गए थे सारे, क्वेश्चंस भी ठीक निकल रहे थे, बट इसका मीनिंग फिर बाद में समझ में आया। तो अभी के लिए आपके लिए यही रहेगा कि आप अद्वैत समझ लो, नॉन ड्यूलिज्म, ड्यूलिज्म इज दो ऐसे वेन डायग्राम के अंदर, राइट, नॉन ड्यूलिज्म की नहीं है, एक ही है,
राइट, सो एज सिंपल एज दैट। और अलग अलग फिलोसफीज के अंदर इनका अलग अलग नाम होता है ना, जैसे कई जगह आत्मन परमात्मन लिखा होता है, कार्ल मार्क्स ने कुछ और लिख दिया इसको, फिलोसफी सेम ही है, कुछ ज़्यादा उनमें कुछ अंतर नहीं है, जिधर भी आप कंफर्टेबल उधर को हो जाना है ना, बाकी बंसल सर तुम्हें वैसे ही बिगाड़ देंगे, एक समय पर तुम किसी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं करोगे फॉर अ गुड 4 or 5 years ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर लिमिटेड लाइफ आई वुड से, तो 5 साल तो तुम्हें कन्फ्यूज रखेंगे वो कि यार कुछ भी ठीक नहीं है तो करना क्या है, फिर तुम देखोगे कि आपके हिसाब से क्या ठीक है। होता है ऐसा, देर वॉज अ टाइम जब बंसल सर यूज टू स्पेसिफाई, जब कार्ल मार्क्स पढ़ाते थे कि अगले 3 महीने तुम्हारे बहुत खराब जाने वाले हैं, और ऐसा होता भी था, उदास चेहरे क्लास में देखने को मिलते थे, बाहर भी लड़ाई झगड़े हो जाते थे, सारे उदास है, क्यों, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने पिक्चर ही ऐसे प्रेजेंट करी है। बट आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज कि कार्ल मार्क्स कहना क्या चाह रहा था, इट वॉज टोटली डिफरेंट थिंग, बट वो तब तक समझ नहीं आता जब तक तुम वहां पर डुबकी नहीं मार के आते, एक बार ही उदास होकर नहीं आते बाहर, तब तक तुम समझ नहीं सकते हो, राइट। चलिए आगे लिखते हैं इसमें थोड़ा सा और, तो पढ़ना इसके बारे में अद्वैत फिलोसफी क्या चीज़ है, राइट, और कौन कौन से और हमारे सेंट्स हैं जो इसको फॉलो करते हैं, और 6 schools ऑफ इंडियन फिलोसफी वो भी पकड़ के रगड़ देना आज ही, ठीक है जी, लेट मत करना उसमें, वो एक ऐसा टॉपिक है वो पकड़ में नहीं आता जल्दी जल्दी, और उस पर सवाल आते हैं, और खासकर आपके PCS के अंदर इसके सवाल हर साल देखने को मिलते हैं कि 6 schools ऑफ फिलोसफी कौन से हैं और उनके इंडिविजुअली की संख्या के अंदर कौन है, राइट, योग के अंदर कौन है, किसने स्टार्ट किया था, तो बेसिक आप कवर करके रखना है उसमें। ही फाउंडेड 4 आश्रम्स, इन दी 4 corners ऑफ द कंट्री, क्योंकि वेद प्रमोट कर रहे थे 4 आश्रम, तो ये 4 आश्रम एक एक वेद को दिए गए हैं, जिसने जो वेद समझना है वो उस आश्रम में जा सकता है। लिस्ट बनाते हैं, नंबर 1 बद्रीनाथ फॉर अथर्व वेद, नेक्स्ट इज पुरी फॉर ऋग्वेद, द्वारका फॉर सामवेद, श्रृंगेरी SRINGERI श्रृंगेरी फॉर यजुर्वेद, हालांकि वेद है लेकिन फिलॉसफी उसमें भी अद्वैत ही रहती है, राइट, एसेंस उसमें भी अद्वैत फिलॉसफी का रहेगा, हो सकता है कि सेम वेद को समझने के लिए कोई और फिलॉसफर ड्यूअलिज्म को अपना के सेम ही टेक्स्ट रहेगा पर इंटरप्रेट अलग तरीके से करेगा, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जैन वर्ड का जो रियल मतलब है कि क्लेश, आपने कॉन्करर, अपने क्लेशों से दूर जाना है ना, तो क्लेश वर्ड का मतलब आपके लिए कुछ और होगा, आपके लिए ही वो थोड़े सालों में चेंज हो जाएगा कि अब आपके लाइफ में क्या क्लेश है, राइट, अभी क्या क्लेश चल रहे हैं लाइफ में, सिलेबस नहीं पूरा हो रहा है ना, ये भी रह गया, संडे को टेस्ट आ गया, अब मैं पढ़ नहीं पा रहा, टेस्ट स्किप कर दूं क्या, छोड़ दें क्या टेस्ट, एक दिन तो पूरी हो ही जाएगी तैयारी, राइट, तो अभी ये क्लेश है, थोड़े टाइम में आप ही के क्लेश बदल जाएंगे, मान लो सिलेक्ट हो गए तो फिर ये क्लेश होगा कि पोस्टिंग यहाँ दे दी, अब घर कैसे आना है, वो तो अंदर जाके है, राइट, उसकी स्टेटमेंट वही रहेगी कि क्लेशों से दूर जाना है, आप बदलते रहोगे, तो सेम वेदों को देखने के लिए अलग अलग फिलॉसफीज हैं, अलग अलग कॉमेंट्रीज हैं, और जिनमें से एक है अद्वैत वेदांत फिलॉसफी, जो कि इन्होंने शुरू करी थी, इन्होंने आगे इसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था लोगों को इस फिलॉसफी को लेके। कुछ वर्क्स देख लेते हैं इनके इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं, बाय द वे आपने रियलाइज किया कि 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो इनको मैच द फॉलोइंग के अंदर इसका सवाल बन सकता है, बहुत परफेक्ट सा क्वेश्चन बनेगा इसमें, तो इसको याद कर लेना, जहाँ पे भी आपको ऐसा पैटर्न दिखे ना कि यार ये 4 ही आ गया, तो एग्जामिनर के लिए बहुत आसान होता है वहाँ पे क्वेश्चन बनाना, राइट, तो इसको याद कर रट लेना इसको। सम बुक्स
पहले बुक्स लिख लेते हैं, कौन कौन सी बुक्स लिखी है इन्होंने। विवेका चुड़ामणि, VIVEKA CHUDAMANI, आत्मबोध, ATMA आत्मबोध, वाक्य वृत्ति, VAVAA KYA VRITTI वाक्य वृत्ति, उपदेश सहस्री, UPADESA SAHASRI। तो वो पूछ लेते हैं यूपीएससी वाले बुक्स वगैरह। तो प्री के अंदर अगर कोई सवाल आएगा तो वो जो हम अभी लिख रहे हैं ना लास्ट में चार पांच जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं, प्री के अंदर यहां से सवाल बनेगा। मेंस वाले थोड़ा सा फिलॉसफी के ऊपर जाएंगे, कमेंट करने को बोल देंगे कि अद्वैत फिलॉसफी इज द नीड ऑफ द आर अभी, कि अद्वैत फिलॉसफी आप पूरी तरह नेशन अपना लेगा तो नेशन ग्रेट बन जाएगा। एनालाइज कमेंट या वो इस तरफ को लेके जाएंगे, अगर आपको लेके जाएं तो उसके लिए आपको अद्वैत फिलॉसफी समझ में आनी चाहिए, फिर आप अप्लाई कहीं भी कर लोगे। अद्वैत फिलॉसफी को मैं कहीं भी अप्लाई करने को बोल सकता हूँ फिर आपको, राइट। कंपोजिशंस देख लेते हैं इनकी, मतलब डिवोशनल एंड मेडिटेटिव हिम्स जो होती हैं कंपोजिशंस। सौंदर्य लहरी, LAHARI, सौंदर्य, SOUNDARYA, सौंदर्य लहरी। शिवानंद लहरी, SIVANANDA, निर्वाण शलकम, शलगम नहीं, NIRVANA, SHALKAM, मनीषा पंचकम, MANEESHA PANCHAKAM। और अगर आपकी किसी दोस्त का नाम मनीषा है तो उसके हाथ में ही सारी किताबें पकड़ा देना, दिमाग में मतलब पिक्चराइजिंग उसमें, और उसको शंकराचार्य के कदमों में बिठा देना या पास खड़े कर देना ताकि आपको सारी बुक्स याद हो जाएं, मनीषा से एसोसिएट कर लेना। नहीं है तो फिर आप मनीषा भी इमेजिन कर सकते हो, है ना। इमेजिनेशन में थोड़ी लिमिट है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड जगत गुरु, है ना। तो ये भी आपका, ये वो वाले आपको स्टेटमेंट्स लिखवा रहा हूं मैं जो आपके सवाल बन सकते हैं, जिन पे हु इज रेफर टू एज जगत गुरु, राइट। दिस इज शंकराचार्य। और अद्वैत वेदांता के ऊपर एक दो लाइंस लिख लो, आई थिंक आपने लिखा नहीं है ना, नॉन ड्यूलिज्म है और ये सब लिख लीजिए, शॉर्ट में लिखते हैं। अद्वैत वेदांत ब्रैकेट में नॉन ड्यूअलिज्म, टीचिज दैट, शॉर्ट में लिखते हैं, टीचिज दैट देयर इज ओनली वन रियलिटी, ब्रह्म, एंड एवरीथिंग एल्स इज इल्यूजन, माया। इंडिविजुअल सेल्फ, जिसको कार्ल मार्क्स ट्रू सेल्फ बोल रहा था और ये फिलॉसफी चलती आ रही है पहले से, इंडिविजुअल सेल्फ मीन्स आत्मन, ब्रैकेट में लिख लो आत्मन,
इज आइडेंटिकल टू ब्रह्म, कॉमा बट द आइडेंटिटी इज ऑब्सक्योर्ड, मतलब ब्लॉक्ड, ऑब्सक्योर्ड बाय अविद्या, ए वी आई डी वाई ए, इग्नोरेंस। द पाथ टू अचीव मोक्ष, लास्ट वन, द पाथ टू अचीव मोक्ष, लिबरेशन, ब्रैकेट में, द पाथ टू अचीव मोक्ष इज थ्रू रियलाइजेशन ऑफ वंस ट्रू आइडेंटिटी। चीजें सेम सेम से ही मिलेंगी आपको, बाय द वे, कि आपको सेम कोट हो सकता है आपको कार्ल मार्क्स में भी देखने को मिल जाए, आपको ऋग्वेद में भी देखने को मिल जाए, राइट। और सिविलाइजेशन इवेंचुअली यहाँ तक पहुँच ही जाती है, जितने भी पुराने रिलीजन्स होंगे वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, कि देर आर सर्टेन, जो नए रिलीजन्स होते हैं वो थोड़ा सा नर्क स्वर्ग हेवन और वहाँ तक टिक जाते हैं एक जगह, उसके बियॉन्ड धीरे धीरे जैसे आपका रिलीजन ओल्ड होता जाता है तो आपको वर्ल्ड वाइड आपको ऐसा सा कुछ देखने को मिलता है वर्ल्ड वाइड, राइट। एंड दैट इज़ वाई वी नीड सच सेंट्स टाइम टू टाइम, क्योंकि आपकी लैंग्वेज ही चेंज हो गई, अब उसको समझे कौन, अब कोई चाहिए जो उसको पढ़े और आपको समझा दे। हैंस आपको हर थोड़े थोड़े टाइम बाद कोई कोई ऐसे गुरुज, हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हो थोड़े थोड़े टाइम बाद गुरुज देखने को मिलते हैं जो एक्चुअली आम लोगों को आम भाषा में समझा पाते हैं। दैट इज़ वाई भक्ति मूवमेंट वॉज पॉपुलर, क्योंकि उन्होंने लोकल लैंग्वेज में करना शुरू कर दिया था जो एक्चुअली लोगों को समझ में आ रहा है, राइट। चलें सत्संग से आगे चलें। हाँ जी एग्जैक्टली, इन्होंने बता दिया, दीज आर सम पीपल हु चोज टू एक्सप्रेस, इट्स अ चॉइस, वी डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर देयर जिनको ये पता है। जब आपको ये सब बातें पता लग जाती हैं तो एक बहुत सबसे पहली चीज़ कटती है, वो है दुनिया, तो दे डोंट नीड टू टेल यू, दैट इज़ वाई वी रेवर देम, कि शुक्र है आपने बता दिया, नहीं तो इन्होंने तो बोल दिया कि यार अंदर ही है जी, देख लो हर जगह ये लिखा हुआ है, ये दीज आर वन फ्यू पीपल जिन लोगों ने हिम्मत करके दुनिया से पंगा ले लिया और बोल दिया कि चलो ठीक है तुम पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ, अदरवाइज दे डू नॉट नीड टू। आप लोगों को भी अगर समझ आ जाएगी किसी बात की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसको, आप अप्लाई करो, मौज करो, निकलो बस ख़त्म, बताओगे क्यों आपकी सही बात को, मेरी तो मजबूरी है, समझ रहे हो। आप कितने वो करंट अफेयर पढ़ाते हो पता तो है आपको भी, समझ रहे हो, डेफिनेटली। तभी मैंने ऋग्वेद का जिक्र किया, ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड है वो, तो हम मैंने ऋग्वेद बोल दिया, तो रिकॉर्ड करने से पहले भी तो होगी ना इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्टली सही सोच रहे हो। करती हैं ये चीज़ें तंग, जिस जिसके तो आज सीड डल गया दिमाग में, जो अभी हुआ है पिछले 15-20 मिनट में, वेट फॉर फ्यू ईयर्स, एन आइडिया हैज़ नो अदर चॉइस बट टू ग्रो, ठीक है जी। तो मेरा काम यही होता है कि एक एक आइडिया आपके दिमाग में प्लांट करता रहूँ मैं थ्रू करंट अफेयर्स, राइट। दैट इज़ वाई वी हैव अ थोड़ी सी लॉन्गर क्लास, इसका इफेक्ट सिर्फ कंटेंट तक सीमित नहीं है, अदरवाइज कंटेंट आप इंटरनेट से ले सकते हो, एक्चुअली मेरी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, बट आइडिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो इसको, इस इन्फॉर्मेशन को आप थोड़ा पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हो, रादर देन कटिंग डाउन कि मैं नेगेटिव थॉट्स ना लाऊं, प्लांट न्यू आइडियाज़, तो पॉजिटिव भी तो ग्रो करेगा, राइट। चलिए चलें आगे, आज थोड़ा दुनिया में वापस आते हैं। चलिए जी, अगेन अ करंट अफेयर जिसके अंदर हमने एग्रीकल्चर का जो डेटा है उसको कलेक्ट और डिसेमिनेट करने के लिए एक नया जो है पोर्टल इंट्रोड्यूस किया है,
तीन चार पोर्टल पिछले कुछ टाइम से इंट्रोड्यूस हुए हैं, इनमें से चारों पांचों में से कोई एक आधा सवाल आएगा ही आएगा। करंट अफेयर्स एग्रीकल्चर के लिमिटेड हो गए हैं, और एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका फॉरेस्ट सर्विसेज का पेपर भी सेम होता है, राइट। और अगर पीसीएस की बात करोगे तो पंजाब में तो फिर एग्रीकल्चर का तो पूछेंगे ही पूछेंगे वो। और अगर आप थोड़े और पेपर देना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल तहसीलदार और इधर उधर जाओगे आप, राइट, तो उसमें भी ये सवाल आएंगे। आइए देखते हैं। तो बेसिकली GCES जो कि जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे है, उसको डिजिटल कर दिया गया है, राइट, आपके ऐप के थ्रू और वेब पोर्टल के थ्रू। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, क्या एम है टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अक्रॉस द नेशन बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम एस्टिमेट्स एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ऊपर गिवन है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, राइट, किस मिनिस्ट्री के अंडर होगा ये, ठीक है जी। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इज बिकॉज इससे पहले जो जितने भी हमने पोर्टल्स पढ़े थे वो ना जनरल थे सारे, ये विलेज स्पेसिफिक है। अगर आप सेकंड पॉइंट देखेंगे इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन में, एस्टिमेशन इंक्लूडिंग विलेज वाइज GCS प्लान एंड प्लॉट डिटेल्स वेयर द क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड, पोस्ट हार्वेस्टिंग क्रॉप वेट एंड ड्राइज वेट ऑफ द क्रॉप। अगर आपको यील्ड पता करना होता है ना कि यील्ड कितना है, तो आप सारी क्रॉप नहीं नापते हो, आप एक सैंपल चूज करते हो, राइट, उसमें साइंटिफिक मेथड से कटिंग होती है, तो आप बताते हो कि यील्ड कितनी चल रही है, और उसके बाद में आप मल्टीप्लाइड बाय जो है उसको हेक्टेयर्स कर देते हो, राइट, एंड आपका जो है सॉल्यूशन आपके सामने आ जाता है कि यील्ड करंटली कितनी चल रही है। दैट इज वाई वी नीड विलेज वाइज। तो अगर आप इसको विलेज लेवल पे करोगे तो आपके आसपास के सारे खेत सिमिलर होंगे, राइट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। हेंस द नेक्स्ट पॉइंट जियो रेफरेंसिंग, अगर विलेज यूज कर रहे हो तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करोगे, दैट इज जियो रेफरेंसिंग। इसमें जो कीवर्ड्स हैं, दैट इज द रियल टाइम रिपोर्टिंग, राइट, लोकल विलेज लेवल और जियो रेफरेंसिंग, इसमें ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी मिनिस्ट्री वगैरह तो आप गैस वैसे भी कर लोगे। और क्योंकि एग्रीकल्चर एक कौन सा सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो अल्टीमेटली आपको स्टेट्स को रोप इन करना ही पड़ेगा इसमें, है ना, स्टेट्स ही डील करेगी फार्मर्स के साथ में जाके, सेंटर वाले सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं और वो करके दे रहे हैं। ये लिख लीजिए जो मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा था कि कैसे प्रोडक्शन यील्ड नापी जाती है। ये हो सकता है अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचो तो वहां आपको फंसा सकते हैं ऐसी चीजों पे, कि आपको यील्ड तो पता होता है, आप डेटा भी दे दोगे, लेकिन आपसे पूछ लिया कि यील्ड नापते कैसे हैं, कि आप पूरे फिर से लेके निकल जाते हो क्या, इंच टेप और साथ में तोलने वाला लेके, कि इसको तोलूंगा फिर डिवाइड कर दूंगा इससे, राइट, कैसे होता है, लिख लीजिए। GCES is the estimates of crop production obtained by multiplying the area under crop and the yield rate based on scientifically designed crop cutting experiments. अब जो UPSC के लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये नहीं पूछेगा UPSC नेक्स्ट चीज पूछेगा। इट कवर्स अराउंड 68 क्रॉप्स अगर 68 क्रॉप्स है तो इसमें नॉन फूड इंक्लूडेड होंगी, हाँ लिख लीजिए ब्रैकेट में, 52 फूड क्रॉप्स, 52 फूड एंड 16 नॉन फूड,
नॉन फूड जो आप खा नहीं सकते, कॉटन, जूट, इन 22 स्टेट्स एंड 4 यूटीज, तो कौन कौन से 4 यूटीज है एक बारी जरा दिमाग लगाना और फिर नेट पे जाना। सरप्राइजिंगली चंडीगढ़ इंक्लूडेड है उसमें ना, एग्रीकल्चर के सर्वे में। चलिए चले आगे। टॉपिक नंबर 6 पे आ जाइए बच्चे। आइए, वो वाली गेम खेली है किसी ने, एंग्री बर्ड्स खेली हुई है ना, तो उसमें जब तुम मतलब गेम नहीं खेल रहे होते ना, उसमें चिड़ियों की आवाज़ आती है पीछे, और जब गेम स्टार्ट होने से पहले भी आती थी। नॉस्टैल्जिया हो गया सडनली। आइए, रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट 2023 रिपोर्ट। UNCTAD की एक रिपोर्ट है ये, राइट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है जी, जो कि फोकस करती है आपके डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, वो एजेंसी की बात हो रही है यहाँ पे। उन्होंने ये निकाली है, क्या हाईलाइट किया उन्होंने, वो ये बोल रहे हैं कि आप सस्टेनेबिलिटी को ना शिपिंग सेक्टर तक नहीं लेके आ पाए, उनका ये मामला है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फर्स्ट टॉपिक में बोला था कि अगर आपने पैसा बचाना है तो आप हर पॉसिबल वे में देखते हो कि कहाँ कहाँ पे कट डाउन किया जा सकता है। मेजर कॉरपोरेशंस आपका स्टेशनरी तक का खर्चा चेक करती है, 10 रुपये का पेन होता है लेकिन उसको भी कट डाउन करती है, बिकॉज अब हमारे पास टास्क एट हैंड है कि यार पैसा बचाना है कॉरपोरेशन का। वैसे ही अगर हम बात कर रहे हैं कि यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है हमने, इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है, हेल्दी करना है, तो सारे सेक्टर्स में हमें देखना पड़ेगा। आप भी जब इस टॉपिक को अप्रोच करते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, तो इफ़ यू हैव कवर्ड ईच एंड एवरी सेक्टर कि यार इधर क्या चल रहा है, एग्रीकल्चर में क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं, अच्छा इस तरीके से कवर कर रहे हैं हम, कंजर्वेशन के लिए क्या कर रहे हैं, रिजुविनेशन के लिए क्या कर रहे हैं, है ना, इस टाइप जैसे आप सेक्टर कवर कर ले तो समझो आपका टॉपिक कवर हो गया। मैरीटाइम का टॉपिक आपका इस तरीके से कवर होगा, ठीक है जी, इस रिपोर्ट के तहत। आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये। हाइलाइट्स द नीड फॉर क्लीनर फ्यूल्स, डिजिटल सॉल्यूशन एंड एन इक्विटेबल ट्रांजिशन टू कॉम्बैट कार्बन एमिशंस इन द शिपिंग इंडस्ट्री, ठीक है, इसमें काफ़ी कुछ छुपा हुआ है वैसे, क्लीनर फ्यूल्स और आपका डिजिटल सॉल्यूशंस। डिजिटल सॉल्यूशन से क्या होगा वैसे, सोच के देखो, क्यों ये AI को बोल रहे हैं कि आप AI और टेक्नोलॉजी को वहाँ लेके आओ शिपिंग में तो ठीक हो जाएगा, क्या क्यों कैसा क्यों है, क्या होगा ठीक, सोचो शिप वर्क कैसे करती है, शिपिंग इंडस्ट्री काम कैसे करती है, क्या होता है शिपिंग में, ट्रांसपोर्टेशन होती है वन ऑफ दी वेज, रूट्स बोल रहे हैं कि रूट्स थोड़े एफिशिएंट कर देंगे, है ना, एनहेंस वर्ड बोल रहा है वो, कि प्लान्स तो अभी भी बनते हैं। जैसे आपको याद होगा, आई थिंक हमने जब कंटेनर्स वाला टॉपिक किया था लास्ट ईयर, तो आई टोल्ड यू अ स्मॉल स्टोरी कि कैसे जो शिप्स हैं वो कभी कभी 3-3 वीक्स तक एंकर्ड रहती हैं आपका शोर से थोड़ा दूर, राइट, हार्बर से दूर उनको एंकर होना पड़ता है वहाँ पे। हमने आई थिंक कोरल्स के कॉन्टेक्स्ट में किया था कि कैसे जो एंकर्स हैं वो कोरल रीफ को ख़राब कर देते हैं, राइट। सो अगर आप AI के थ्रू ऐसा प्लान बना लें कि वो आए और डॉक हो जाए,
तो उसका रुकने का फ्यूल भी नहीं लगेगा, क्योंकि रुक के वो इंजन बंद करेंगे तो वो अगर कहीं पे आपने कुछ बांध दिया तो शिप जो है वो स्वे करेगी और वो दूसरी शिप से टकरा सकती है. तो समटाइम्स यू हैव टू कीप द इंजन रनिंग ऑल्सो, राइट? तो आपकी वो वाली कॉस्ट उसमें इंक्रीज होती है, प्लस एंकर आपका गलत जगह ड्रॉप होता है, कोरल्स खराब होते हैं ऑफशोर में, राइट? तो अगर आपका AI आप उसमें इंड्यूस कर देते हो, डिजिटल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, AI आपने इंड्यूस कर दिया, राइट, तो आपकी शिप वहां से चलेगी और सीधा आके डॉक होगी, जल्दी से कार्गो निकलेगा, राइट, और है ना, एफिशिएंट हो गया मामला. इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिजिटल सॉल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे. क्लीनर फ्यूल्स तो आप समझ ही रहे हो, है ना, कि हम कार्बन इमिशन को थोड़ा सा कम कर दें. आइए चलिए देखते हैं आगे की हाइलाइट्स. The IMO set a target to achieve net zero greenhouse gas emissions by around 2050. इसको मार्क कर लो एक बार कि IMO का टारगेट क्या है नेट जीरो का. ऑब्वियसली इन्होंने शिपिंग के अंडर ही रखा होगा टारगेट, राइट? सेकेंड पॉइंट में एडवोकेट्स अ शिफ्ट टुवर्ड्स क्लीनर फ्यूल, है ना, रिडंडेंट पॉइंट है तो एवरीबडी इज पुशिंग उसके लिए. कैसे सब्सटेंशिएट होता है ये पॉइंट, उसमें देखिए, नियरली 99% ऑफ द ग्लोबल फ्लीट रिलाई ऑन कन्वेंशनल फ्यूल्स. कन्वेंशनल फ्यूल कौन से? आपका डीजल, मोस्टली डीजल शिप्स होती हैं ये. आगे देखते हैं डीकार्बनाइजेशन में. अगर आप देखेंगे आप यहां पे यूनिवर्सल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, तो कहने का मतलब जितनी इसमें शायद लिखा भी होगा आगे, जितनी भी नई शिपिंग इंडस्ट्री आएगी, फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ, एक शिप खरीद लेता हूँ अपनी, बट यू डोंट नो कि रेगुलेशन है क्या. कोई ग्लोबल रेगुलेशन नहीं है फ्यूल्स को लेके, राइट? तो उसकी कमी इसने बोला कि यार एक ग्लोबल प्रॉबेबली आने वाला होगा एक दो साल में, कुछ कोई कन्वेंशन आने वाली होगी, तो ये बेस बिछाया जाता है कि अर्जेंसी बता दी कि यार देखो ऐसा ऐसा होने हो नहीं रहा, और बाद में सोल्यूशन प्रेजेंट कर देते हैं, आज ऐसे कर लेते हैं, राइट? चलिए बच्चे आगे देखते हैं. ये जो 99% वाला इसमें पॉइंट है, उसके अंदर एक खास पॉइंट ये भी है कि 21% ऑफ द वेसल्स आर एक्चुअली डिजाइंड फॉर अल्टरनेट फ्यूल्स. उसमें आप दूसरे फ्यूल्स, एमोनिया फ्यूल्स एंड मेथेनॉल फ्यूल्स डाल सकते हो, बट वो यूज नहीं हो रहे हैं, राइट? अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट. और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें? द एजेंसी इटसेल्फ, राइट? और एक इसमें एक कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, जब भी हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, आपके मरीन इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो एक कन्वेंशन हाईलाइट होती है, और इसके ऊपर सवाल आई थिंक 18 या 17 में ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि ये दो तीन बार हाईलाइट हो गया, तो PCS वाले इसको इस साल पूछ सकते हैं कन्वेंशन को, वो भी लिखेंगे हम. UNCTAD इस पर शॉर्ट नोट लिखा हुआ है हमने पहले, लिख लीजिए बच्चे, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने रिपोर्ट दी है बेसिकली. United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD. शॉर्ट में लिखें इसको भी, है ना, स्टेटमेंट्स आप खुद बना लोगे ना, स्टेटमेंट्स खुद बना लेना फिर. एम्स टू प्रमोट ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज. एस्टैब्लिश्ड बाय UNGA, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, एस्टैब्लिश्ड बाय UNGA इन 1964. And reports to UNGA and the Economic and Social Council.
द कॉन्फ्रेंस मीट्स वंस एवरी फोर ईयर्स. द कॉन्फ्रेंस मीट्स, ये सारी आपको मैं प्री स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं मैं. द कॉन्फ्रेंस मीट्स, UNCTAD की कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है. द कॉन्फ्रेंस मीट्स वंस एवरी फोर ईयर्स. क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेनियल, क्वाड्रेनियल कॉन्फ्रेंसेस. QUADRENNIAL. जैसे बायनियल होता है ना, दो साल में एक बार, वैसे क्वाड्रेनियल. कंफ्यूज नहीं हो जाना वहां पे, इसीलिए लिखवाया ये. और एक फैक्ट पॉइंट है यहाँ पे, शायद पूछा जा सकता है, यूपीएससी का दिमाग थोड़ा खराब ही रहता है. सेकंड जो कॉन्फ्रेंस थी वो इंडिया में हुई थी, दिल्ली में, वो लिख लीजिए आप. सेकंड कॉन्फ्रेंस वाज कौन से साल में हुई थी? 68. यानी पीयूष अनकॉमन है, पूछना जरूरी होता है, सोच में पड़ जाते हैं लोग. Held in 1968 in India, New Delhi. और जो लास्ट हुई थी UNCTAD 15, ये भी लिख लीजिए आप. Bridgetown, Barbados. नहीं नहीं Bridgetown नहीं है, Bridgetown. Barbados में है ये. और इनकी ना कुछ कुछ रिपोर्ट्स हैं, फ्लैगशिप रिपोर्ट्स हैं, वो भी इसकी लिस्ट यहीं बना लेते हैं, फिर आपको वो रिपोर्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एजेंसी ही पूछी जाती है. लिख लेते हैं, आ जाओ. फ्लैगशिप रिपोर्ट्स सारी नहीं लिखते, जो फ्लैगशिप रिपोर्ट्स हैं ना, जो आती आती हैं, फ्लैगशिप का मतलब है. फ्लैगशिप रिपोर्ट्स एक तो यही होगी, दूसरी इज वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट. The LDC report, least developed countries report. Information economy report. Digital economy report. ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट लिखा मैं, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, क्योंकि अफ्रीका अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चल रहा है जियोपॉलिटिकल एंगल से. सो एक रिपोर्ट इनकी स्पेसिफिकली अफ्रीका के लिए आती है, वो भी मेंशन कर लीजिए. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका रिपोर्ट, वो UNCTAD देता है, राइट. प्री में आ सकता है इनमें से कुछ भी. आज इतना शांत क्यों बैठे हो, क्या हुआ है, कोई गम है? गम है, बहुत है. एक ना शेर है, वो मुझे याद आ रहा है ऐसे मौके पे. क्लेश तो है ही है, उसका अलग मजा है, वो तो होने भी चाहिए. मैंने आई थिंक आपको पहले भी बताया था, देर इज अ रीजन कि तारों के ऊपर कम लिखा जाता है, मून के ऊपर ज्यादा लिखा जाता है. उस पर दाग है, वो इम्परफेक्ट है, थोड़ा सा शेप्स चेंज करता है, राइट. तो ऐसे वाले जो क्लेश हैं, ये आपकी लाइफ में उसको यादगार बनाते हैं, उसको हैप्पी बनाते हैं. याद करो कोई बचपन की ट्रिप आपको याद हो, कहाँ गए थे, क्लेश वाली याद आएगी जहाँ ऐसा हो गया था, राइट. तो दीज थिंग्स ये होने चाहिए लाइफ में, स्वाद बना रहता है. गम की बात हो रही थी, है ना, वो शेर ऐसे है कि सब कुछ है तो गम भी हैं, इस दलदल में हम भी हैं, तो कोई बात नहीं. आपके उससे याद आ गया मुझे, मैं क्या करूं. मेरे को ऐसा फील हुआ यार, तुम्हारी एनर्जी बहुत लो सी लग रही है आज, क्या चक्कर है? तैयारी से थोड़ा स्ट्रेस हो गया क्या? तैयारी में मजा आ रहा है? अच्छा, मैं तो पहले ही बोला था.
अच्छा कैसा हुआ जिनका? हाँ ये भी बात सही है, आवाज में आप वो देख रहे हो भारीपन और दबी हुई, ये करता है HPAS। आप कुछ भी पढ़ के जाओ, हिमाचल एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है, आप कुछ भी पढ़ लो। इस बार प्री ये कहाँ से आया, करंट अफेयर कहाँ से आया? सर कुछ पता नहीं। नहीं पता ना, उन्हें भी नहीं पता कि कहाँ से डालना। हाँ हाँ मतलब यार इसको तो यहाँ पे लिख के लगा देना चाहिए, हिमाचल का पेपर अजीब आएगा - रोहित गर्चा 2022 और उसे पढ़ो हर साल, है ना? वो क्या कहते हैं उसको, बैस रिलीफ में कर देते हैं इधर, है ना, एचिंग कर देते हैं इधर। तो होता है ऐसा, हिमाचल का पेपर आपको करेगा और होना नहीं होता डीमोटिवेट इससे, सच में। तभी मैं आपको उस दिन एड्रेस कर दिया था, जो तो मेरे को दिखता है हिमाचल वाला उसके मैं पहले ही उसको बोल देता कोई बात नहीं, इवन बिफोर द पेपर इज गिवन। एडमिट कार्ड नहीं, जब आप पेपर भरते हो मेरे पास आ जाएगा, मैं बोल दूंगा कोई बात नहीं। तो घूमने का मौका मिल जाता है क्योंकि सेंटर उसके हिमाचल में ही बनते हैं ना। हाँ तो यहाँ वाले या तो सोलन भरते हैं या ऊना भरते हैं। सोलन जाओगे तो थोड़ी फोटो में खिंचा आओगे, ऊना जाओगे तो ढाबे मिलते हैं रस्ते में, रोपड़ के पास में अच्छा ढाबा है, राइट? ठीक है, घूमने फिरने के लिए ठीक है वो पेपर। कितनी सीट्स थी इस बार? 11। हाँ सीट्स ही बल्क में आती हैं, 11 विदाउट रिजर्वेशन। वो अलग दलदल है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है उसका। ठीक है अब समझ में आया, तुम दुखों से लाइट होते हो। मैं सोच रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है, जब से क्यों ये बच्चे मुस्कुरा नहीं रहे हैं आज, ये टॉपिक खराब चल रहे हैं, ये अद्वैत फिलॉसफी में फंस गए हैं, चक्कर क्या है? ठीक है चले आगे। इसके साथ है बच्चे जो एक चीज एसोसिएटेड है, दैट इज द मारपोल ट्रीटी और द मारपोल कन्वेंशन, या जिसको मारपोल 73-78 के नाम से भी जाना जाता है। सेम ही ट्रीटी है, सेम ही कन्वेंशन है, राइट? लिख लीजिए, हेडिंग आप डालिए ये वाली, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम ships, ये है कन्वेंशन का पूरा नाम। इसको प्यार से बुलाया जाता है कैपिटल्स में मारपोल, MARPOL, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम ships, मारपोल MARPOL, मरीन पॉल्यूशन बोलना चाह रहे हैं, मरीन पॉल्यूशन। तो ये ऐसे ही सवाल आएगा, मारपोल ट्रीटी या मारपोल कन्वेंशन often seen in news is associated with which one of the following, right? तो वो habitat conservation, marine pollution, ऐसे करके चार ऑप्शन देंगे आपको, right? और ये UPSC के लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि छुपा हुआ है, थोड़ा सा हिडन है। जब भी आप maritime उसके बारे में बात करते हो, आप UN clause तक रुक जाते हो आके, और थोड़ी बहुत ही और जो treaties हैं उस पर जाते हैं, मारपोल पर थोड़ा लेट पहुँचता है बंदा, एक दो फेलियर्स लगते हैं उसके लिए वहाँ तक आने के लिए। प्री रुकेगा ना आपका दो तीन बार, फिर आपको लगेगा कंटेंट में ही कमी है, शायद रोहित सर ने कंटेंट नहीं दिया पूरा, इस वजह से नहीं हुआ, इस बार मैं ये भी करूँगा तब शायद यहाँ तक आता है बंदा, ज़रूरत नहीं होती। पर आइए लिखते हैं इसके ऊपर, पहले नाम ही लिख लो इसके सारे। ऑल्सो कॉल्ड मारपोल 73/78, में बेसिकली अगर आप एरो डाल के लिख लो ना यहाँ पे ऐसे, अपने 73-78 लिखा होगा, तो 73 के अंदर इनकी कन्वेंशन हुई थी, 73 इज कन्वेंशन, 78 इज द ट्रीटी, जब ये एक्चुअली ट्रीटी साइन हुई थी। कन्वेंशन तो मतलब इकट्ठे होके बोल दिया कि हाँ करना है करना है, जैसे मोहल्ले की मीटिंग्स नहीं होती हर इलेक्शन से पहले होती है, कोई अपना कैंडिडेट लेके आता है, बस वो कन्वेंशन होगी। ट्रीटी जब एक्चुअली बोला कि हाँ अब ये होगा, राइट?
इट इज द मेन इंटरनेशनल कन्वेंशन कवरिंग प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट बाय द शिप्स ऑफ मरीन एनवायरनमेंट बाय द शिप्स फ्रॉम ऑपरेशनल और एक्सीडेंटल कॉजेज. '76-77 में बैक टू बैक ऑयल टैंकर्स के एक्सीडेंट्स हुए थे, ऑयल स्पिल्स बहुत ज़्यादा हुई थी 76-77 के अराउंड, राइट. तो उसके बाद में ये फिर 78 में ये ट्रीटी साइन हुई थी, उस वजह से. दैट इज़ वाई वी हैव स्पेसिफिकली मैंशनड, यहाँ पे मैंशन किया गया है कि आप ऑपरेशनल प्लस एक्सीडेंटल दोनों मिटिगेशन कैसे होगी. दिस एजेंसी इज दी, दिस कन्वेंशन है जो उसको गाइड करती है. एक यूपीएससी के लेवल का इसमें इंफॉर्मेशन हम ऐड कर लेते हैं बच्चे. इसके अंदर ना बेसिकली 6 टेक्निकल एनेक्सेस हैं, सब पार्ट्स. देर आर 6 टेक्निकल एनेक्सेस जो यूपीएससी बाकी पेपर लेते हैं ना, छोटे मोटे ईपीएफओ टाइप के, तो उसमें इस टाइप के सवाल आते हैं. एनेक्सर 1, ये इसमें सारे रेगुलेशन हैं बाय द वे, ठीक है. तो मतलब आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड रेगुलेशन फॉर, है ना, बट आपको मैं बताता हूँ किस चीज के लिए रेगुलेशन है. एनेक्सर 1, prevention of pollution by oil. Annex 2, ANNEX, control of pollution by noxious liquid NOx, by noxious liquid substances in bulk. एक तो specifically oil के noxious मतलब harmful होते हैं, by noxious liquid substances in bulk. third में है harmful substances carried by sea, कुछ भी हो सकता है वो, harmful substances carried by sea, basically in packaged form. fourth, sewage from ships. फिफ्थ इज गार्बेज फ्रॉम ships. ये क्यों लिखवा रहा हूं आपको अब ये बताता हूं. लास्ट इज एयर पॉल्यूशन फ्रॉम ships. तो दैट इज द मारपोल ट्रीटी जिसके थ्रू ये सारी चीजें एड्रेस होती हैं. तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है. और बहुत हैवी फाइंस वगैरह लगते हैं, वो जो क्रूज ships वगैरह होती है ना, उनकी आदत है, वो डंप कर देती हैं, क्योंकि एक नेगेटिव कैरी होता है. अगर आप शिप के ऊपर एक्स्ट्रा लोड लेके जा रहे हो, इट्स अ नेगेटिव कैरी फॉर द शिप, राइट. शिप को अपना फ्यूल और ये सब भी कैरी करना होता है, वो भी नेगेटिव कैरी है. वेस्ट भी आप वो कैरी कर रहे हैं, तो ये भी एक नेगेटिव कैरी होता है. इकोनॉमिकली ज़्यादा फ्यूल लगता है आपका और ज़्यादा खर्चा होता है. दैट इज़ वाई. सो दैट इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रीलिम्स और मेंस में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं. अगर सवाल आ गया इसमें से, यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज ओवर अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन राइट नाउ. लेट मी टेल यू अबाउट द करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024. इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली तीन चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू. नंबर 1, यू गेट
वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा. क्या फर्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज कि इसके अंदर आपके पास में इंटरैक्शन, काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी. नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं. दैट इज हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग. नेक्स्ट, यू गेट वीकली पीडीएफ्स. जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर, उसको वीकली पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट, ताकि आपको कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो. इसके बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है. लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट. जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके, राइट. दिस इज द त्रिशूल मॉडल. अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की जरूरत नहीं है. दिस इज द कंप्लीट कोर्स. इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो. अगर आपने सोच लिया है, इफ वी हैव ड्रीम्ड इट वी कैन डू इट. जिद से जीत तक.